हापुड़ आया था, हापुड़ में कुछ दिनों से अनियमितताओं का आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर प्रशासन शासन ने जुल्म और जाति की सारी यहाँ पार कर दी। वकीलों को दौड़ा दौड़ा के हापुड़ की सड़कों पर पीटा गया और इनके समर्थन में जो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ तो कई जिलों में वकीलों को पीटा गया। अभी मुझे अधिवक्ता साथी बता रहे थे कि यहाँ पे 30 से ज्यादा वकील गंभीर रूप से घायल हुए लाठीचार्ज में। वकीलों की जो मांग है, एक एक मांग सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। काले कोट से टकराने का काम मत कीजिए, वरना ये काला कोट पहनने वाले लोग सरकार का चेहरा काला कर देंगे। अधिवक्ताओं की बातों को सुनिए। पुलिस वाला हो, उसके जुर्म से पीड़ित आदमी अदालत आता है। कोई गुंडा हो, माफिया हो, उसके जुर्म से पीड़ित आदमी अदालत आता है। अब जब अदालत में ही लाठी चलने लगेगी, अदालत में ही गोली चलने लगेगी, वकील ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर से मांग करता हूं कि हापुड़ के वकीलों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसमें जो प्रशासन के लोग शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। और साथ ही साथ पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, अगर उससे पहले मैं बहाल हो गया तो देश की संसद में हापुड़ के वकीलों पे हुए जुर्म का मामला पूछेगा। एसआईटी गठित करिए, सरकार करेगी एसआईटी गठित करिए। एसआईटी के बयान में विक्रम कांड हो, एसआईटी जल जीवन मिशन का घोटाला हो, एसआईटी कोरोना के सामानों में खरीद में घोटाला हो, एसआईटी हाथरस कांड हो, एसआईटी एसआईटी से निकलता क्या है? जब वीडियो मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, वकीलों को मारते हुए तस्वीरें मौजूद है, तो उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं? ये मेरा कहना है।